हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ दो रंग की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान बुनाई डिज़ाइन। इससे आप बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के ऑल प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है ये ऑड नंबर के फंदों पर अच्छे से सेट हो जाती है। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहती है आप इसमें ऑड नंबर पर फंदे डाल लीजिएगा तो आपका ये डिज़ाइन बहुत ही जो है अच्छे से सेट आएगी। और ये डिज़ाइन हमारी 4 सिलाई की है, बस यही 4 सिलाई आगे आगे आपको रिपीट करनी है। बॉर्डर मैंने एक सीधे एक उल्टे का बनाया है, उसके ऊपर मैंने इस डिज़ाइन को अप्लाई की है। आप अपने हिसाब से बॉर्डर कोई भी बना लीजिएगा, उसके ऊपर आप इसको डाल सकते हैं। कैप में डाल सकते हैं, कार्डिगन, जैकेट, टॉप, कुर्ती, किसी पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जो कलर आपको पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फंदे डाले हैं ऑड नंबर पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 फंदे मैंने इस पर डाले हैं। और व्हाइट मैंने बेस रखा है, ऊपर में डिज़ाइन डालूंगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और देखिए, दूसरा कलर मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड और सेकेंड कलर को ज्वाइंट करेंगे, पहला फंदा सीधा, उसके बाद देखिए इस वाले फंदे को यहाँ से, देखिए ये किसी फंदे में नहीं, ऐसे गैप में सिलाई डालकर एक लूप निकालेंगे, इस तरीके से लंबा करेंगे और आगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो एक फंदे का 2 फंदा हो गया। अब एक फंदा सीधा, एक स्टिच छोड़ के यही 2 फंदे बार बार रिपीट करेंगे। गैप में सिलाई डाला, ऐसे एक फंदा निकाला, सीधा इसे बना दिया, तो पहली सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी सीधे तरफ से। यहाँ से सिलाई डाला, एक लूप निकाला, फिर एक फंदा इसे सीधा बनाया, ऐसे यहाँ से सिलाई डाला, एक लूप निकालेंगे, फिर इसे बनाएंगे बैक साइड से और फिर एक फंदा सीधा। पहली सिलाई हमें ऐसे ही बुनते हुए जानी है लास्ट तक, एक फंदा सीधा, गैप में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे एक्स्ट्रा और फिर सीधा बनाएंगे, गैप में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा, इस तरीके से। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई ऐसे ही बनकर आएगी। अब रो सेकंड हमारे उल्टे तरफ से दूसरी सिलाई, देखिए पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अब जो हमने यहाँ पर लूप निकाला है इस लूप के साथ इस वाले सीधे फंदे को लेकर 2 का 1 करेंगे, ऐसे उल्टा बनाते हैं, एक फंदा उल्टा, एक लूप और एक सीधा फंदा, दोनों को मिलाकर उल्टा बना देंगे, एक उल्टा 2 का 1 किया। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं। देखिए एक उल्टा और फिर 2 का 1 किया, एक उल्टा बनाया, 2 का 1 किया, ऐसे ही सेकेंड रो हम पूरा लास्ट तक बना लेंगे और लास्ट में ये 2 फंदा ऐसे लेकर उल्टा बना देंगे। ठीक है, तो 2 सिलाई हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, जो हमने बेस कलर रखा है उसे लेंगे और पूरी सिलाई इस कलर के साथ सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई थर्ड रो हमारी बन गई है। अब चौथी सिलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारेंगे, उन पीछे यहाँ से भी पूरी सिलाई सीधा सीधा ही बनेगी। फोर्थ रो सीधा सीधा रॉन्ग साइड की तरफ से। देखिए ये हमारी 4 सिलाई की डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। बस यही 4 सिलाई जो कि आगे आपको रिपीट करनी है। अगर आप इसे मल्टी कलर से बनाना चाहती है तो आप बना सकती है, कोई भी एक बेस कलर ले लीजिएगा और 2-2 सिलाई के आप इस डिज़ाइन को अप्लाई करते हुए जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दी, पहला फंदा सीधा, अगले फंदे को ऐसे सेंटर में से निकालेंगे, ऐसे लूप और फिर सीधा, फिर एक फंदा सीधा, इसे निकाला ऐसे लूप और एक फंदा सीधा, तो ऐसे ही पूरी सिलाई फिर से सेम इसी डिज़ाइन को ऊपर रिपीट करते हुए जाएंगे।
देखिए फिर से मैंने फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो सेकंड उल्टे तरफ से, यहाँ पर तो एक्सटिस उतार लेंगे, आप चाहे तो बुनकर ले सकते हैं। अगला फंदा उल्टा और अगले देखिए ये दो फंदे का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे, ठीक है इस तरीके से एक फंदा उल्टा फिर ये दो फंदे का एक, फिर से एक फंदा उल्टा दो का एक, क्योंकि हमारे फंदे यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं तो इस तरीके से करते हुए हम इनको बराबर करेंगे। एक फंदा उल्टा दो का एक, इसे पूरा बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ लास्ट तक। देखिए मैंने बना ली है और लास्ट में दो का एक करेंगे ताकि ये फंदे बराबर रहे, ठीक है। अब सीधे तरफ से कलर चेंज करेंगे, पूरी सिलाई यहाँ पर देखिए इस कलर के साथ सीधा सीधा बनाएंगे, उल्टे तरफ से भी सीधा सीधा, तो ये हमारा चार सिलाई का डिज़ाइन बनकर आएगा। तो जब आप इन चार सिलाई को बार बार रिपीट करेंगे आपका ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आसान बुनाई डिज़ाइन बनकर आएगा। आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके रख दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।